بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سامعین کرام، آج جس سورت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اسے سورہ مسد کہا جاتا ہے یا اسے سورہ لہب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا تیسرا نام سورہ تبت بھی ہے. یعنی چاہے سورہ مسد کہیں یا سورہ لہب کہیں یا سورہ تبت کہیں، سب تبت یدا ابی لہب و تب کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں. یہ سورت مکی سورت ہے اور 5 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ سورت قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے 111 نمبر پر 30ویں پارے میں موجود ہے. اسی طریقے سے یہ سورت سورہ فاتحہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ تکویر سے، جسے اذا السماء انفطرت کہا جاتا ہے، اس کے بعد ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے ہے اور سورہ تکویر کے بعد ہے. اس طرح کہا جاتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ 11ویں سورت ہے. نزول کے اعتبار سے یہ 11ویں سورت ہے. اسی طریقے سے اس سورت کے شان نزول کے تعلق سے، سبب نزول کے تعلق سے جو بات ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات ابو لہب پر بدعا سے کی ہے. وہ ابو لہب جن کا نام عبدالعزیٰ ابن عبدالمطلب ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان پر بدعا سے یہ سورت شروع ہوئی ہے. اور اس سورت کے اندر لفظ اللہ کا نام موجود نہیں ہے. آپ اس سورت کو پڑھیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلى نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد. یعنی اس سورت میں لفظ جلالہ اللہ کا نام موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس سورت میں بدعا دی گئی ہے. اس سورت میں ابو لہب کو عذاب سے دوچار کیا گیا ہے، اور جہاں عذاب کا تذکرہ ہو، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر بدعا نازل کر رہا ہو، وہاں اللہ کا نام نہیں آتا. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لفظ اللہ سختی کے جگہوں پر، عذاب کے جگہوں پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس سورت کے اندر جو اسباب نزول، اس کے بارے میں سبب نزول ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौम को, अपने ख़ानदान को जब आप वहाँ चढ़कर यानी पहाड़ पर चढ़कर आपने अपनी कौम को आवाज़ लगाई, जैसा कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अपनी किताब सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पहाड़ पर चढ़ गए और आपने पहाड़ पर चढ़ कर या सबाहा की आवाज़ लगाई, यानी कि जब कोई आदमी किसी परेशानी में होता तो उसी पहाड़ पर चढ़कर कौम के लोगों को आवाज़ देता जिससे पूरी कौम इकट्ठा हो जाती। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सबाहा की आवाज़ लगाई और पूरा कुरैश आपकी तरफ इकट्ठा हो गया। लोगों ने पूछा क्या मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि इस पहाड़ी के नीचे या इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर जर्रार मौजूद है जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बातों की तस्दीक करोगे, मुझे सच मानोगे? तो सारे के सारे लोगों ने कहा कि हमने आपको सच्चा पाया है, हम आपको सच्चा क्यों नहीं मानेंगे। उन्होंने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नी नज़ीरुन लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, कि मैं तुम्हारे लिए डराने वाला हूँ एक ऐसी अज़ाब से जो तुम्हारे सामने है, यानी आने वाले अज़ाब से मैं तुम्हें डराने वाला हूँ, उससे बचाने वाला हूँ। तब अबू लहब ने कहा तब्बन लका, तुम्हारे लिए बर्बादी हो, अलिहादा जमअतना, क्या इसलिए तूने जमा किया हम लोगों को? फ़अंज़लल्लाह, तो अल्लाह सुबहानहु तआला ने बददुआ के तौर पर ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि तब्बत यदा अबी लहब। इसी तरीक़े से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से इस सूरत के सबब नुज़ूल के ताल्लुक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قام في قريش مناديا, आपने कुरैश को आवाज़ लगाते हुए खड़े हुए आपने कहा या आले गालिब, या आले लुई, या आले किलाब, या आले कुसई, या आले अब्द मनाफ। उन्होंने कहा कि इन्नी ला अम्लिकु लकुम मिन अल्लाह शैआ वला मिन अद्दुनिया नसीबा इल्ला अन तकूलू ला इलाहा इल्ला अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे ख़ानदान वालों के नाम लेकर उन्हें पुकारा कि मैं इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ मालिक नहीं हूँ, मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मगर ये कि तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ख़ानदान वालों के सामने तौहीद की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया। तब अबू लहब खड़ा हुआ और उसने फरमाया कि तब्बल लक, तुम्हारे लिए बर्बादी हो, लिहाजा दाउताना, इसलिए हमें बुलाया है। फ़अंज़ल अल्लाह तआला, तो अल्लाह सुबहानहु तआला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। इसी तरीक़े से कहा जाता है कि जब अल्लाह सुबहानहु तआला ने वअंदिर आशीरतकल अक़रबीन ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों को, अपने करीबियों को अल्लाह के अज़ाब से डराइए और अल्लाह की तरफ, अल्लाह की दावत की तरफ, दीन की तरफ बुलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी कौम को, अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाया और उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन तौहीद की दावत रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ख़ानदान के लोगों का नाम लिया, आपने
फरमाया बनी अब्दुलमुत्तलिब, आपने यह फरमाया बनी फहरिन, या बनी अब्दी मनाफिन, या बनी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ख़ानदानों के नाम लेकर सभी को आपने मुखातब किया और फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं तुम्हें ख़बर दूं कि एक घोड़ों की जमात इस पहाड़ के पीछे एकदम तैयार है जो अनकरीब तुम पर हमला कर देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग मेरी तस्दीक करोगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, हमने आपको सच्चा पाया है, हमने आपका आपके साथ या आपके ज़रिए कभी झूठ का तस्करा नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने डराने वाला हूँ दर्दनाक अज़ाब से। तब अबू लहब ने कहा कि तब्बन लक या मुहम्मद, कि ऐ मुहम्मद तुम्हारे लिए बर्बादी हो, तुम्हारे लिए हराकत हो, अलिहादा जमातना औ अम्मा दऊतु तुमूना इल्ला लिहादा थुम्मा क़ामा फनज़लत, क्या पूरे दिन के लिए तुमने हमें इसीलिए बुलाया था ये ओल फोल सुनाने के लिए? तो अल्लाह सुब्हानहु तआला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। अबू लहब ये अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की कुन्नियत है, इसलिए अबू लहब इसलिए कहा जाता है कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा चमकने वाला था, चमकता था, रोशन था, इसलिए इनका लक़ब अबू लहब था। इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से, सूरह मसद के ताल्लुक से मज़ीद बातें आपके सामने मैं अगले दर्स में रखूँगा। अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ है कि मौला हम तमाम मुसलमानों को कुरान पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमा, इलाहा आलमीन कुरान से जुड़ने और अपना रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।